夜泊榻，चलो सीधे से खड़े रहो। ये क्या है? और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। अरे ये नहीं किया जा सकता है। मुझे ये करना ही होगा। नहीं 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 नहीं, क्या तुम्हें पता है लिखने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं पता? हाँ आप जानते हैं, अगर उन्हें ये मिल गया तो वो क्या करेंगे? हूँ पता है ना? रिकॉर्डिंग आप पूरी तरह से नहीं करेंगे। वहां बैठो। तुम्हें कहां तक बैठो? चीयर्स। मैं यहां मैक्टोजुमा बार के बारे में इंक्वायरी करने आया हूं, क्या आप कुछ जानते हैं? हाँ मैं करता हूं, बहुत ज्यादा, और मैं तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एड़ा हूं, क्योंकि वो मुझे मारने जा रहे हैं। कौन कौन, क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले तो जेटा थे, एरेलानो फेलिक्स कैबलरोस टेम्पलारियोस, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। आपको लगता है सुना? हो सकता है कि वो बाहर इंतजार कर रहे हों। ओह नहीं, वैसे मैक्टोजुमा में हुआ क्या था? बॉस एक रस्म करना चाहता था ताकि ठीक हो, वो जो सब कुछ था। फिर उसने ईगल नाइट को बुलाया और वो तब तक था जब सब कुछ नरक में चला गया।
पृथ्वी का देवता भूखा मुंह खोलता है इस युद्ध में मरने वाले बहुतों का खून निगलने के लिए। सूर्य और तलाटले कुटली आनंदित होना चाहते हैं, वे आकाश के देवताओं को खाना पीना देना चाहते हैं और अंडरवर्ल्ड उन्हें एक दावत दे रहा है मरे हुओं के मांस और लहू से। चल बैठ। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने युवाओं के एक समूह का अपहरण कर लिया जो शत्रुओं के बच्चे थे लेकिन अंततः निर्दोष। अच्छा चलो सैर करते हैं। यहां पे इंतजार करो। एस्टेक ने अपने देवताओं को एक भेंट दी अपने शत्रुओं के सिरों से। विजय के दौरान कुछ यूरोपीय और उनके घोड़े भी ऐसे ही काटे गए बहुत बेरहमी से। मेक्सिको, आतंक यहां है और अब ज़ोम पंतली। हम कहाँ है जोस? जरल्डी बेरियोस। ये जगह शापित है। चिंता मत करो, वो सिर्फ कहानियां हैं। ये हमारा आखिरी पानी है।
मुझे देखने दो, अपना हाथ हटाओ। आसान, एक बार हमारी लूट देखकर समझो, आप दर्द को भूल जाएंगे। ये सिर्फ एक खरोच है। आपके पास घोड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त होगा जो आप चाहते थे, और नदी के किनारे अपना घर बनाने के लिए आप चोरी भी कर सकते हैं। जैसा कि आप चोरी भी कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। ओडिनोल की बहन से मुझे बत बताओ कि उससे प्यार नहीं करते? वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये रही आपकी टोपी। इंतजार करें, मैं जल्दी आ रहा हूं। मार्टिन, मार्टिन, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? चले जाओ यहां से जोश, हमें यहां कोई नहीं मिलेगा। मैं रात बिताने के लिए जगह की तलाश में जाऊंगा।
तक जाना है। Thank you.
मार्टिन, चार अल्डी पेरियोस। वाकई बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही करीब है जीत के लिए, बहुत ही अच्छा मैच है आज का, ये हो, बहुत ही शानदार, मजा आ गया देख के।
सकती हो, मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे पिता से। अरे ऐसे क्यों देख रही हो?
ट्रेन बेबी वहाँ कहाँ जा रही हो, कभी इधर भी तो आओ। मत जाओ बेबी, हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो अकेले अकेले। ए बेबी, क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हारा दिमाग हिला दूंगा। अरे कहाँ जा रही हो जानेवान? जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या मैंने कहा कार शुरू करो। मैं जीपीएस चेक कर रहा था कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। मैं कार में रुका था क्योंकि मैं अपना फोन चार्ज कर रहा था। मेरे फोन की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी। झूठ बोलते हो मुझसे? झूठ मत बोला करो प्लीज। तुम यहाँ बैठकर चैट कर रहे थे, मेरा वहाँ रेप हो सकता था। तुम एक लड़की को नहीं संभाल सकते? आखिर तुमने मुझे बुलाया ही क्यों था? हा? मेरी माँ ने सही कहा था, अभी तुम बहुत छोटे हो, अकेले घूमने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अब बस भी करो, बहुत हो गया, बहुत बोलती हो तुम। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया, ठीक है? मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी माँ गलत है। आज की रात तुम्हारी अब तक की सबसे बेहतरीन रात होगी। आप 10 केबिनों में से कोई भी चुन सकते हैं, ये खाली है। लगता है यहाँ छुट्टियों में कोई नहीं आता। सिर्फ छुट्टी के दिन ही आते हैं लोग। आप भी छुट्टी में ही आई होंगी यहाँ पर। आप यहाँ पर पहली हैं। आइए आइए, ये निजी संपत्ति है और आपका इस जंगल में स्वागत है। जाने मन। जयवीर रुको, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। अब तक अंधेरा भी नहीं हुआ है और हमने कहा था ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ करना। कहो क्या बात है जान। मैंने थोड़ी बेवकूफी की क्योंकि मैं चाहती थी सब कुछ ठीक हो। कल मेरी जिंदगी अलग मोड़ पर चली जाएगी। मैं इस रात को कभी नहीं भूलना चाहती हूँ और मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला है। अगर कुछ गलत हो गया तो? सब कुछ तो सही चल रहा है। तुम अपनी पिछली क्लास के बाद स्कूल से बाहर गई थी और वहाँ ट्रैफिक में नहीं थी। जरा इस जगह को तो देखो और इन होठों को तो देखो। क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। जी? क्या तुम अकेले हो? हाँ, क्यों? तुम यहाँ पर मंगलवार की दोपहर में क्या कर रहे हो? तुमने ध्यान नहीं दिया है, तुमने गलती की। ये होटल सिर्फ छुट्टियों में खुलता है, तुमको कहीं और चले जाना चाहिए। तुम्हें लोगों के बीच शहर में ही रहना चाहिए। क्या पागल हो गए हो क्या? हम पैसे दे चुके हैं। अरे सर आप भाई, चलिए चलिए आप बाहर आइए। वेरी सॉरी इसके लिए, ये बूढ़े हैं। रात में खिड़कियाँ बंद रखना और बाहर बिल्कुल मत जाना। हाँ हाँ समझ गए वो लोग। चलिए हाँ हाँ ठीक है।
नरमी से पेश आओ, ऐसा मत करो। बाद में आओ। कौन है ये बदतमीज? तुम ये सैंडल बाहर भूल गए थे। बाहर मत छोड़ो, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या तुमने इसलिए दरवाजा खटखटाया ताकि हम लोग को परेशान कर सको? नो, जंगल में कुछ और लोग हैं, वो छुपे। क्या मजाक है, ये वाला कॉन्डम? इसमें गलत क्या है मेरी जान, इधर आओ। क्या बकवास है ये गधे? मैं ये सड़े हुए स्ट्रॉबेरी कॉन्डम से पहली बार सेक्स नहीं करूंगी, समझे तुम? अरे सुनो तो मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। क्या सच में? हाँ, और क्या, मैं वही तो कह रही हूँ। हमें अकेले छोड़ दो। वहाँ देखो। कौन है वहाँ? नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? जेबिर, मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। कौन है? वलेरिया, दरवाजा खोलो। वलेरिया, दरवाजा खोलो। वलेरिया, क्या हो गया? वलेरिया, दरवाजा खोलो। वलेरिया, अरे क्या हो रहा है आखिर अंदर? वलेरिया, उस बेड से उतरो और दरवाजा खोलो। वलेरिया, जल्दी करो। नहीं, मैं नहीं कर सकती, वो बिस्तर के नीचे है। क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? क्या वो कुछ ले गया है? वलेरिया कहाँ है? वलेरिया, क्या वो कुछ लेके गए हैं? उसका ब्लाउज और कुछ, क्या कुछ लेके गया है? मैं पूछता हूँ, वलेरिया कहाँ है? वो ले गया, उसे लेके गया। वो किसी को भी बिल्कुल नहीं ले जाता, वो उनके सामानों को ले जाता है, उनकी चीजों को ले जाता है। शायद वो कुछ ना कुछ तो लेके गया है। उसका वलेरिया, 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 वलेरिया,
Te preguntes qué hago aquí. वो कीमती चीज है। तैयार है शॉटी, जल्दी खाओ। मॉम, आपने मेरा बैकपैक देखा? अब बस करो लॉरा, चुप हो जाओ। समझ नहीं आता, बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, मेरे सर चढ़ती रहती हो सारा का सारा दिन, और ये फटी हुई ड्रेस उतारो, बहुत हो गया, इधर आओ। तुम क्या कह रहे थे बेटा? मेरा हरा बैकपैक आपने देखा? हाँ, मैंने धोया था, बाहर सूख रहा है, मैं लेके आती हूँ। तुम उससे इतना डरती क्यों लाओ? वो इतना भी डरा अपना नहीं। ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक्स मॉम। ठीक है बेटा। लॉरा, खिड़की से उतर के यहाँ आओ, वैसे भी देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ, समझी? और अपने खाने के लिए एप्पल ले लो। ए ड्यूड, कैसे हो ग्रिंगो? देर हो रही है, चलो जल्दी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लॉरा, तुम सुन रही हो मुझे? लॉरा, सेब खा भी लो, लो और खाओ उसे, जल्दी करो। अरे मुझे निकलने दो, जल्दी आओ।
मॉर्निंग पेपे, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग बॉस। क्या हो रहा है चैम? अब तुम ये मत बोलना कि ये डरती है। तो पेपे तुम मेरा कूड़ा उठा लेना, ठीक है? मैंने बाहर छोड़ दिया है। हाँ मैं समझ गया, हो जाएगा। मैंने कुछ पैसे भी छोड़े हैं, ठीक है? शुक्रिया। आपको कैंडी चाहिए? आपको भी चाहिए? ठीक है चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं पेपे, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, लेके जाइए। मॉम मैं बाहर सॉसर खेलने जाऊं प्लीज? ठीक है लेकिन जल्दी आना, देर हो गई है। थैंक यू मॉम। ना ना या या ना ना क्या है बेटा, अपने भाई को छोड़ो अकेले, हर समय मत चुपका करो। अच्छा अब तुम मेरी मदद करो जरा, ये बैकपैक करने में हेल्प करो और मेरा पर्स भी लो, अच्छी बच्ची बनो। Thank you.
अंदर क्या है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। Yeah.
नमस्कार, डॉल के आइलैंड में आपका स्वागत है। वो नजारा तो बहुत अच्छा है। Thank you.
हिलना मत, हिलना मत। चुपचाप। शुभ संध्या दोस्तों, सभी ट्रक ड्राइवरों को एक बहुत ही खास बधाई। पहियों के पीछे ये कार्यकर्ता कृपया सतर्क रहें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। खतरनाक मोड़ से सावधान और घुमावदार अंधेरी सड़कें, और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। अंधेरी रात है, सुनसान रास्ता है।
रुक जा सुअर की औलाद। अंधेरा था, अंधेरा, खाली। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। मुझे जानते हो तुम? नहीं। मुझे जानते हो सुअर के बच्चे? और सुअर के बच्चे? बोल। जानता है मुझे? बोल। बोल सुअर की औलाद? बोल। मैं खरगोश हूँ हरामजादे। मैं खरगोश हूँ। मैं खरगोश हूँ।
भाई। Morir a los desiertos me voy de elegido. Ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo. Me da ये मेरा शहर है, मेरी जगह। यहाँ मैंने गाड़ियों के बीच खेलना सीखा है, कुछ ना कुछ बेचा और अपनी जिंदगी गुजारी, तभी जीवित रह पाई। मुझे किसी ने नहीं बताया कि जीवन आसान था, बजाय इसके मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ मुझसे कहती थी, मिर्ज़ा ये जिंदगी नर्क है और तुम उस नर्क की सबसे बुरी शैतान बनोगी या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मेरी तरफ देखो माँ, जिंदगी मुझे कमबख्त पैरों से घसीटना शुरू भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब सबके सब शैतान हैं और मैं भी। देखो मेरा बिजनेस इंटरनेशनल हो गया है। ए चिनिता, तुम कमजोर लड़कियां मुझसे नफरत करो। मैं उनके मासूम चेहरों के साथ उन्हें खड़ा नहीं कर सकती और डर है कि वो कमबख्त गंध मुझे बीमार कर देगी। ये बेवकूफ लड़कियां इस शहर के लिए नहीं है। तुम कहाँ गई थी माया? माफी चाहती हूँ, मैं दोस्तों की हेल्प कर रही थी। फिर से बहाना शुरू। दोबारा मैं ये बहाने नहीं सुनना चाहती हूँ। या तुम्हें फिर से ये दवा चाहिए? नहीं मैम, माफ कर दीजिए। मेरे साथ खेलना मत कुतिया, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। हाँ मैम। तैयार हो जाओ, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अपने आप को खूबसूरत बनाओ और अपने सारे जख्मों को ढक लेना और वो उदासी भरी चेहरों को छुपा लो, समझी ना? क्योंकि आज से पहली शुरुआत होगी और कभी खत्म नहीं होगी। कैंडलेरिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम परंपरा का जश्न मनाते हैं। हमारी संस्कृति हमारी रफ्तार और हम मनाते हैं
मरे लोगों का त्योहार। यहाँ आओ मेरी जान। क्या बात है, बड़ी कमाल की हो तुम। यहाँ आओ मेरे पास आके हिलाओ जरा। ऐसे क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? बहुत सही, ऐसा ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। आज तो ये गया, मजा आएगा। मजा आएगा गुरु। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अगली बार ध्यान रहे, ठीक है? समझ गई? समझ गई? पागल लड़की! कभी मत भूलना बीबी। चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं भूली हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोलती, बेवकूफ बोलती। क्या हो रहा है यहाँ पर? पागल! पागल किसे बोल रहा है तू? न्याय सबसे कोमल इस दुनिया के प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बदला एक कमबख्त वैश्या है।